बहुत भाई पूछ रहे थे कि इसको कितने वेट वाले बंदे चला सकते हैं, कितनी हाइट वाले बंदे चला सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हो गया आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पीछे खड़ी है हमारी रॉयल एनफील्ड बुलेट और आज हम बात करने वाले टॉप रीजन टू बाय बुलेट। तो भाई इसकी बात कर लेते हैं, मतलब बाइक तो लाजवाब, आपको सभी को पता है, आप भी इसके फैन हैं जब आप वीडियो देख रहे हैं। तो आप इसके हम बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजन की। मतलब भाई इतने प्राइस रेंज में आपको कोई भी इतना हैवी और इतने सीसी का इंजन नहीं देता, मतलब 2 लाख रुपए में 350 सीसी का इंजन कोई बाइक में नहीं देती आपको। बाकी इतनी पावर और किसी बाइक में है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी साउंड सुना के, आपको 2 लाख में ऐसी साउंड कोई बाइक नहीं देने की। बाकी कॉपी तो इसकी सभी लोग करते हैं, सभी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाया, जावा वावा सब फेल है इसके सामने। और दूसरे नंबर की बात करें तो इसका मेंटेनेंस और इसका माइलेज, मतलब भाई मेंटेनेंस तो इसका सर्विस मैंने जो करवाई ना, अगर आप इसकी अच्छी सर्विस 3 या 4 हज़ार पे सर्विस करवाते रहोगे तो 2000 से 2500 में आपकी सर्विस होकर घर आ जाएगी बाइक। कोई ज़्यादा बड़ा इसमें कोई इतना नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2000 रुपये बहुत है, 2000 में आपकी सर्विस बिल्कुल जाएगी। क्यों, मैंने देखो पहली सर्विस 9000 रुपये करवाई थी, अब सीधी मैं करवाऊंगा इसकी 16000 रुपये, 15000 चल चुकी है, मैं पूरी 6000 चला दी, 7000 सर्विस करवाऊंगा। इस बार देखता हूँ कि मेरा कितना खर्चा होगा, पर मुझे उम्मीद है ज़्यादा खर्चा होगा नहीं मेरा, मतलब मेंटेनेंस तो बहुत कम है ही। और माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज के मामले में ये है, लगभग आपको हाईवे मिल जाएगा इसका अगर आपने साइलेंसर लगा रखा है, स्टॉक वाला बैंड पाइप स्टॉक हो और साइलेंसर यही हो, कोई भी मतलब बैंड पाइप चेंज होना चाहिए, तो आपको माइलेज दे देगी ये लगभग 35 से 38 तक का। जो मैंने लिया है, मैं 40 प्लस लिया है इसका एवरेज, और बाकी इस वाले बैंड पाइप तो भाई 35 का ही है, 33 से 35 का, इससे ऊपर आज तक इसने अपना माइलेज नहीं दिया। बाकी अगले पॉइंट की बात कर लें तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता ही है, देख सकते हैं आप लोहा ही है, बस कमी ये है कि टाटा का नहीं है, बाकी तो भाई लोहा मजबूत है बहुत। अगर आप किसी में टक्कर मारोगे तो आपका तो नुकसान होना नहीं, उसका जरूर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके लेग गार्ड वगैरह और मड गार्ड बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी के होते हैं, बाकी इसकी लुक तो डिसेंट है ही। और बहुत भाई पूछ रहे थे कि इसको कितने वेट वाले बंदे चला सकते हैं, कितनी हाइट वाले बंदे चला सकते हैं। मतलब भाई हाइट वाइट से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पैर नीचे टिक रहे हैं तो आप इसे चला लोगे बहुत आराम से, 5 साढ़े 5 तक के तो बंदे आराम से चला लेंगे, 5 तो ज़्यादा कम हो जाएगी, 5.5 से प्लस तो बंदा बहुत आराम से चला लेगा। बस टांगों में जान हो तो आदमी कुछ भी चला सकता है, चलाने का जिगरा होना चाहिए भाई इंसान में। बाकी आप देख सकते हैं इसकी लुक और इसके भाई वेट की बात करें तो लगभग 2 लाख रुपये का 2 क्विंटल ही वेट इसका मिल जाता है आराम से। इतनी हैवी बाइक कोई और कंपनी नहीं देती, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतने रुपए के अंदर इतनी हैवी बाइक आपको कोई कंपनी नहीं देगी। ये तो पहले राजदूत थी या फिर अब रॉयल एनफील्ड है। बाकी अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद।